Students, today we are going to do one new topic from General Awareness Skill Sheet book. So we will open page number 22. So our topic name is Save Energy. Save Energy means आपके घर पे light, fan सब रहता है ना, जिसके through आपको current get current and power through that energy. So students, see, read with me. Switch off the fan and light. If you are the last one to leave the room, means आपको, if आप last room में बैठे हो, अगर आपको वो रूम से बाहर जाना है तो आपको हमेशा क्या बंद करना है, स्विच योर लाइट एंड योर फैन, देन आपको रूम से बाहर आना है, चालू ही नहीं छोड़ देना है. एंड बिकॉज ऑफ दिस, बाय दिस वी कैन सेव एनर्जी, पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी. ओके, नाउ टेल योर पेरेंट्स टू यूज एनर्जी सेवर CFL बल्ब्स, मीन्स जिसमें लो कंजम्पशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी पावर लो होती है. एंड हमारा लाइट का बिल आपको पता है ना, बिकॉज यूजिंग दिस बल्ब्स लाइट का बिल भी हमारा कम आता है. सो वी शुड यूज दिस टाइप्स ऑफ CFL बल्ब्स. ओके, बाय दिस वी कैन सेव एनर्जी. कैन यू सी दिस? यस, दिस इज द पिक्चर रिलेटेड टू दिस. Now, this picture, turn off the lights during daytime and use sunlight. Means क्या, दिन के टाइम आपको लाइट वगैरह ऐसे रूम में चालू करके नहीं रखनी है. ओके, जब आपके घर पे अगर बहुत अच्छी हवा आ रही है बैल्कनी में, तो आपको फैन वगैरह भी बंद कर देने चाहिए. एंड लाइट ऑल्सो नहीं चालू करनी. ये सब छोटी छोटी चीज़ करने से आप एनर्जी को सेव कर सकते हैं. यस. And another one, turn off the TV when you are not watching it. जैसे कि TV चल रहा है और आप मोबाइल पे बैठे हो, TV हॉल में चल रहा है, आप बेडरूम में बैठे हो, this way ऐसा नहीं करना है, because we lost energy, फालतू में हमारी वेस्ट हो रही है. तो उसे हमको एनर्जी को सेव करना है, तो हमको TVs, fans, जो भी है हमको बंद कर देना चाहिए इफ वी आर नॉट यूजिंग. नाउ दिस इज अ स्मॉल एक्सरसाइज, वी विल सॉल्व येस और नो, राइटिंग येस और नो. आई रीड दिस फर्स्ट वन. आई स्विच ऑफ द फैन एंड द लाइट व्हेन आई लीव द रूम. ये राइट है कि रॉन्ग है? राइट ना? येस यू शुड. तो आपको यहाँ पर लिखना है येस, वी शुड राइट हियर, येस यू शुड स्विच off the light and the fan when you are not in the room. I keep the water running while brushing my teeth. जब आप ब्रश करते हो तो, जब तक आप ब्रश करते हो तो पानी ऐसे ही आपके बेसिन में छोड़ना चाहिए चालू? रनिंग वाटर? नो, आपको ब्रशिंग के टाइम पानी का टैप बंद करना चाहिए, राइट? नो. आई क्लीन माई साइकिल विथ वेट क्लोथ. आपको हम कभी कभी जैसे है, यू कैन यूज़ गीला कपड़ा आप यूज़ करते हो, तब आप अपना साइकिल साफ़ कर सकते हो, नहीं तो अदरवाइज आप डेली ड्राई क्लोथ से भी अपना साइकिल साफ़ कर सकते हो. अगर डेली आप पानी से धोओगे अपने साइकिल, वी विल वेस्ट वाटर, तो वाटर वेस्ट होगा उससे. सो यू कैन यूज़ ड्राई क्लोथ टू क्लीन योर साइकिल. सो नो, I do not leave the TV turn on when I go to sleep. Yes, आपको TV चालू रख के आप सोने नहीं जाना है. आप जब जा रहे हो रूम छोड़ के, then you have to switch off the TV, then you have to go to sleep. तो yes, you should answer will be yes. Now we come to the next one, that is save water. See, read with me. आपको पहले तो पता है ना, वाटर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारी लाइफ का. येस, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूबल सोर्स ऑफ आवर
लाइफ. सो हमको हमेशा वाटर का अच्छे से यूज़ करना चाहिए, मिस यूज़ नहीं करना चाहिए. व्हेन वी नीड वाटर दैट टाइम वी शुड यूज़. अगर आपको नहीं चाहिए उस टाइम तो हमको वेस्ट नहीं करना है. जैसे आप गार्डन में क्लीनिंग प्लांट्स को पानी दे रहे हो, ऐसा नहीं कि पाइप छोड़ दिया और आप चले गए. नो, नॉट दैट वे. अब जितना पानी रिक्वायर है प्लांट को उतना दे के आपको टैप बंद कर देना है. इन दिस वे वी कैन सेव वाटर. पेस्ट राइट स्टिकर ऑन द पिक्चर विच शोज सेव ऑफ वाटर एंड पेस्ट क्रॉस स्टिकर ऑन द पिक्चर विच शोज वेस्टेज ऑफ वाटर. दिस मीन्स यही है कि आपको कौन सी चीज़ राइट है, कौन सी चीज़ रॉन्ग है. सी स्टूडेंट, this type of sticker is there in your backside last page of your book. I have cut this sticker from here, your last page. Okay, आपको last page में ये sticker मिलेगा, ये right and wrong वाले. So आपको वो वाले use करने. Okay, first one, can you see this picture? This is a picture, the boy is brushing teeth. And वो brush कर रहा है, कैसे कर रहा है? आप वो tap देखिए, वाटर रनिंग वाटर है? नो, उसने टैप को बंद किया है. तो द पिक्चर सेज यस. तो आपको यहाँ पर इसे हैव टू पेस्ट दिस वे. ओके, एंड सी दिस बॉय, दिस बॉय ब्रशिंग टीथ बट द टैप चालू है, पानी चालू है. कैन यू सी दिस? यस, द वाटर इज रनिंग. सो आपको बंद करना चाहिए था ब्रश के टाइम. सो दिस इज रॉन्ग. So you have to cross it. Okay, put a sticker of cross. See this boy, what he is doing? Shower से, he is taking a bath with the shower. Shower से क्या होता है? पानी waste होता है. हमको जितना bucket में पानी चाहिए हमको उतना ही use करना चाहिए. Shower क्या, एक बार चालू करो तो कितना पानी waste हो जाता है? Yes, that is not good. So we should cross it. See this boy is taking a tub. देखा यहाँ पे tub पड़ा है? Yes, he is taking a bath from the tub. Tub में पानी है, उसी पानी, उतने ही पानी से वो स्नान कर रहा है. He is taking a bath. It's a good. So आपको भी ऐसे करना है, इससे water हमारा waste नहीं होगा. And last one is, see this boy, hand pump. Can you see? The water is wasting the water. Bucket में से पानी नीचे निकल रहा है. Is wasting the water. This should be done? No. So we should put the cross. And the last one. Yes, this boy. जितना आपको पानी चाहिए, मतलब means to say how much you need the water to use. आप बहुत चीज़ों के लिए आपको use करना है. जितना आपको पानी चाहिए उतना आप bucket में ले दो, फिर hand pump को लीव कर दो. यस, देन दिस वे द वाटर विल बी सेव. देर आर मैनी रीजन्स एंड मैनी थिंग्स बाई विच यू कैन सेव वाटर. एंड वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ अवर लाइफ. ओके स्टूडेंट, बाय.